प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विदर्भ में पहुंचकर करोड़ों रुपए की सौगात दी है। यवतमाल से उन्होंने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है और साथ ही साथ किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त को भी जारी किया गया। स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए विविध वस्तुओं का एक उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। यवतमाल, वाशिम, चंद्रपुर सहित पूरे विदर्भ का असीम आशीर्वाद मिल रहा है। उसने तय कर दिया है एनडीए सरकार 400 पार, एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री मोदी यवतमाल में थे। उन्होंने इलाके को कई तोहफे दिए। करीब 5,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया और बताया कि कैसे केंद्र सरकार समाज के 4 तबके को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आज यहां महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज किसानों को सिंचाई की सुविधाएं मिल रही हैं, गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, गांव की मेरी बहनों को आर्थिक मदद मिल रही है और नौजवानों का भविष्य बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। पीएम मोदी ने अगले 25 सालों के विकास का ब्लूप्रिंट बताने के बाद विपक्ष पर निशाना साधा, इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया और बिना नाम लिए शरद पवार पर भी हमला किया। साथियों, आप याद कीजिए, ये जो इंडी गठबंधन है, इसकी जब केंद्र में सरकार थी तब क्या स्थिति थी? तब तो कृषि मंत्री भी यही ये महाराष्ट्र के थे। उस समय दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। गांव, गरीब, किसान, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता। विदर्भ से अक्सर किसानों की खुदकुशी की खबर आती है, लिहाजा पीएम मोदी ने यवतमाल में किसानों की समृद्धि की बात की और यहीं से देश के 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की 16वीं किश्त जारी की और लगे हाथ मोदी की गारंटी भी दे डाली। आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते पीएम किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए, छोटा आंकड़ा नहीं है, 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। और यही तो मोदी की गारंटी है। किसानों के सम्मान निधि और गरीबों के बहाने उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा। जब कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली से 1 रुपया निकलता था 15 पैसा पहुंचता था। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज जो आपको 21,000 करोड़ रुपए मिले हैं उसमें से 18,000 करोड़ रुपए बीच में ही लूट लिए जाते। लेकिन अब भाजपा सरकार में गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिल रहा है। अक्सर सूखा झेलने वाले विदर्भ में पीएम मोदी ने पीने के पानी की भी चर्चा की और इंडिया गठबंधन को घेरा।
पानी का महत्व क्या होता है ये विदर्भ से बेहतर भला कौन जान सकता है। पीने का पानी हो या फिर सिंचाई का पानी, 2014 से पहले देश के गांवों में हाहाकार था, लेकिन इंडी गठबंधन की तब की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं थी। आप जरा सोचिए, आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश के गांव में 100 में से लगभग 15 परिवार ही ऐसे थे जिनके घर पाइप से पानी आता था, 100 में से 15 घर। पीएम मोदी ने यवतमाल में महाराष्ट्र के 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की, साथ ही नमो शेतकरी महासम्मान निधि की दूसरी और तीसरी किश्त भी जारी की। एनडीए सरकार 400 पार, एनडीए सरकार। मुस्तफा शेख, यवतमाल, आज तक।